देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गोवर्धन, अकस्मात कारणों से नाले में गिरी लड़की, मौके पर पहुंची पुलिस। मामला थाना गोवर्धन स्थित सौंख बाईपास के समीप का है। यहां अकस्मात कारणों से नाले में गिरी युवती ममता पुत्री स्वर्गीय रामकिशोर निवासी राधाकुंड को थाना पुलिस द्वारा कब्जे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ममता नामक युवती निवासी राधाकुंड गुरुवार की रात अपने किसी रिश्तेदारों के यहाँ कस्बा गोवर्धन में जागरण देखने गई हुई थी। उसके बाद लड़की घर नहीं पहुंची। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को सूचना मिली कि यहाँ नाले में एक लड़की गिरी हुई है। वहीं मौके पर पहुंचे सीओ गोवर्धन व थाना पुलिस ने बेहोशी की हालत में मिली लड़की को कस्बा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। वहीं डॉक्टर चित्रा राजपूत ने बताया कि पुलिस व स्थानीय लोगों द्वारा एक लड़की को लाया गया है जो नाले में गिरी हुई है, जिसके नाक कान मुंह के अंदर नाले का पानी चले जाने के कारण हालत खराब हुई है, जिसका उपचार जारी है, लेकिन उच्च उपचार हेतु लड़की को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मेरा नाम डॉक्टर चित्रा राजपूत है, मेडिकल ऑफिसर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोवर्धन से। एक महिला का मामला सामुदायिक केंद्र में आया, क्या कुछ मामला है? हाँ जी हाँ, अभी एक महिला रोगी को हमारे पास पुलिस द्वारा और कुछ लोकल लोगों के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया है। जैसा कि हमें ज्ञात हुआ, कुछ जैसा कि लोगों के द्वारा ही हमें पता चला कि वो नाले में गिरी पड़ी थी। अभी हमारे द्वारा उसका प्राथमिक उपचार कर दिया गया है और आगे उक्त उपचार के लिए जिला अस्पताल मथुरा के लिए संदर्भित भी कर दिया गया है। क्या क्या नाम है महिला का? महिला का नाम ममता बताया जा रहा है। उसकी उम्र 22 साल है, राधाकुंड की निवासी है और पिताजी का नाम रामकिशोर है। आपने जैसा कि परीक्षित किया, उसमें कुछ कैसा लग रहा है? अभी तो ऐसा कुछ हमें नहीं ज्ञात हुआ है, बस अभी हमारे द्वारा प्राथमिक उपचार ही दिया गया है, जिससे कि महिला अभी ठीक है कंडीशन में, पर आगे उच्च उपचार के लिए जिला अस्पताल मथुरा के लिए रेफर कर दिया।